जो भी देश में महंगाई है, जो भी बेरोजगारी है, ये कांग्रेस की देन है। वहीं इसका जड़ शुरू हुआ है। कांग्रेस के समय में जो शुरू हुआ है वही आज भी चले आ रहा है। ये लगेगा ही खराब लगेगा, राम का निर्माण, राम का मुद्दा खराब लगता है। ये बेरोजगारी को ख़त्म करेगा और देश में शांति लाएगा। इसलिए जो बराबर इनको कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं, और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है। इसलिए अपने गिरवान में झांक के देखें कि उनके समय में क्या रहा। इसलिए जो अब कह रहे हैं राम मंदिर का, तो राम मंदिर सबके कल्याण करने वाला है। आज कई हज़ार लोग इसमें आएंगे और दर्शन करेंगे। मुद्दा है कि महंगाई है या बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी तुम्हारी देन है, कांग्रेस की देन है। देखिए, जो भी देश में महंगाई है, जो भी बेरोजगारी है, ये कांग्रेस की देन है। वहीं इसका जड़ शुरू हुआ है। कांग्रेस के समय में जो शुरू हुआ है वही आज भी चले आ रहा है। तो उनके शासन तो अब है नहीं, और राम के कृपा से भाजपा शासन में है, तो उनको ये लगेगा ही खराब लगेगा, राम का निर्माण, राम का मुद्दा खराब लगता है। ये बेरोजगारी को ख़त्म करेगा और देश में शांति लाएगा। राम मंदिर का जो प्रभाव है वो देश में इसी रूप से शांति प्रदान करेगा। इसलिए जो बराबर इनको कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं, और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है, कांग्रेस के समय से है। इसीलिए वो कभी बढ़ती और कभी घटती रहती है। इसलिए अपने गिरवान में झांक के देखें कि उनके समय में क्या रहा। इसलिए जो अब कह रहे हैं राम मंदिर का, तो राम मंदिर सबके कल्याण करने वाला है। आज कई हज़ार लोग इसमें आएंगे और दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद में यहाँ जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साथ में और भी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। क्योंकि भगवान राम के लिए है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, इनके बैठने पर वैसे ही सारे शोक जो देश विदेश का है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि राम मंदिर का मुद्दा है कि महंगाई है या बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी तुम्हारी देन है, कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस ने ही शुरू किया। उसके शासनकाल में जो रहा वही बढ़ता घटता जा रहा है, बाम महंगाई और बेरोजगारी। इसलिए राम, हाँ, अरे सियान पर परदोदा जो कांग्रेसी है और प्रधानमंत्री के ऊपर और उनके और जितने लोग हैं आए जाएंगे उनके प्रति, मंदिर के निर्माण प्रति, जो ये वर्चस्व भाजपा सरकार के बढ़ रहा है उसी पर उनको कष्ट है कि इसके कारण से यदि मंदिर का भी शांतिपूर्वक यह निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो और भी वर्चस्व यह भाजपा का बढ़ेगा, यह उनको डर है। और यह डर है कि अब हमको सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता जो ये भाजपा में है भाजपा में ही मिलेगी, तो उनको ही डर है कि और भी वर्चस्व मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा में लोगों के आने से और भी इसका भाजपा का जो योगदान है और जो उसकी देन है अयोध्या में राम मंदिर का, वह भी देश विदेश में जन जन में व्याप्त हो जाएगा कि हाँ, यदि कुछ कोई करने वाला है वह भाजपा करने वाली है, प्रधानमंत्री जी और मोदी जी, योगी जी और मोदी जी, इसलिए उनका जो 24 में चुनाव होना है उस पर इनका इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए कांग्रेसियों को डर है।